नमस्कार दोस्तों, एएन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे दो टेस्ट करने वाला है। हमारे साथ है यामा MG6 और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास है सूर की बेटा 87 है, जो कि 35,000 का एक कंडेंसर माइक्रोफोन है सुपर कार्डियोडेट की। तो यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं क्या है कि अगर हम इस कंडेंसर माइक्रोफोन को एक जैक पिन लगाएंगे, जैक पिन की आउटपुट लेके हम डायरेक्ट लगाते हैं जैक पे, तो क्या ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि ये जो कंडेंसर माइक्रोफोन है, अगर हम इसको वही जैक वाला पिन को अगर हम डायरेक्ट जो एक जो XLR कम जैक का पिन है, जो पहला दो यहाँ पे इनपुट है XLR कम जैक का, जो कि जनरली यामा मिक्सर में रहता है, तो वो उसमें अगर डालेंगे तो और उसके बाद फैंटम पावर ऑन करेंगे तो वो जैक पिन में फैंटम पावर जाता है या नहीं जाता, वो चीज़ भी हम लोग टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा है सूर 87 है, कंडेंसर माइक्रोफोन को अगर नॉर्मल हम कोई जैक में लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगा जब तक इसको 48 वोल्ट ना मिले। हेलो हेलो, देखिए चेक कर सकते हैं। हेलो 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 कि ये वाले हम जैक पिन को अगर फैंटम के साथ देंगे तो क्या होता है देखते हैं। हेलो 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 हेलो, देखिए फैन डायरेक्ट भी जैक पे भी ये काम नहीं करता, क्योंकि ये बस माइक जो है वो XLR है इसका, और लाइन जो है अभी जो है ये लाइन में है, इसीलिए ये कंडेंसर काम नहीं कर रहा है। जैसे कि ये वाले 3-4 पोर्ट है, ये सब लाइन पोर्ट है, अभी फैंटम देने के बाद भी ये लाइन पोर्ट भी ही काम कर रहा है, वो 1 नंबर 2 नंबर। अभी इसमें अगर XLR वाला केबल हम लगाएंगे तो वो ये वाला चलेगा। तो चलिए XLR चेक करते हैं। देखिए अभी हमने XLR लगा दिया है, यहाँ पे भी XLR लगा दिया है दोनों। अब देखते हैं यहाँ भी XLR फैंटम भी ऑन है, फैंटम पावर यहाँ पे ऑन है, XLR है। हेलो 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 बना दी आउटपुट। हेलो हेलो चिक हेलो 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 हेलो, देखिए अभी आ रहा है। हेलो 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 चिक हेलो हेलो। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते थे कि यहाँ पे ये जो यामा MG606 है, इसमें 6 चैनल वाला मिक्सर है। पहला 1-2 चैनल पे जो XLR पे ही आपको 48 वोल्ट का ही आ पाएगा फैंटम पावर, बाकी किसी में आपको 48 वोल्ट नहीं आएगा। और जो पहला 1 और 2 जो चैनल है उसमें आपको 2-in-1 सॉकेट दी गई है, एक तो XLR भी है और जैक पिन, जो कि न्यूट्रिक की है, बहुत कंपनी का बहुत बार ये होता है। आप देखे होंगे कि ये यामा कंपनी की जो पहले कुछ सॉकेट्स रहते हैं, चाहे जो भी मॉडल की बात आप कर लीजिए, सब में वही करता है। पहला कुछ मॉडल्स 2-in-1 देता है, यानी कम्बो देता है, उसमें XLR भी लगेगा, जैक पिन लगेगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ हमारा क्लियर है कि जैक पिन की मदद से आप कंडेंस पावर नहीं ले सकते, आपको XLR ही चाहेगा, देने के बाद ही वो आपका कंडेंसर माइक जो है वो काम करेगा और जो फैंटम पावर वो भी काम करेगा, आपका कंडेंसर माइक्रोफोन में जाएगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि फैंटम पावर जो है वो जैक पिन के थ्रू नहीं जा सकता। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने 1-2 एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किए, और बाकी जो और भी 1-2 एक्सपेरिमेंट हमने जो किया, आपको अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में से लिख दीजिए हाँ थोड़ा समझ में आया, अगर नहीं आया वो भी कमेंट में से लिख दीजिए ताकि हम और आपको डिटेल में उसको समझा सकें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।